सामने आया माल्या और कांग्रेस के रिश्तों का सच। यूपीए सरकार से मिलीभगत कर माल्या ने बैंकों को लगाया चूना। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर भी माल्या ने बरसाई थी मेहरबानी। बैंकों का अरबों रुपया डकार कर विजय माल्या भारत से भागकर लंदन में जा छिपा है। भारतीय एजेंसियों से भारत लाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रखी है। जैसे जैसे माल्या के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है, इसमें यूपीए के काले कारनामे बेनकाब हो रहे हैं। एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि माल्या ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर मेहरबानी की थी। रिपोर्ट में माल्या और उसके सहयोगी के ईमेल से खुलासा हुआ है कि किंगफिशर एयरलाइंस सोनिया गांधी और उनके रिश्तेदारों सहित कांग्रेस के बड़े नेता और यूपीए सरकार में बड़े अधिकारियों को फ्री में फर्स्ट क्लास की हवाई टिकट देता था और बदले में माल्या अपना हर कामकाज करवाता था। फ्री हवाई टिकट को माल्या अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था। SFIO की जांच रिपोर्ट में माल्या को बैंकों से अरबों रुपए के लोन मिलने का कारण भी कांग्रेसी नेताओं और यूपीए सरकार में अधिकारियों को दिए गए फ्री में हवाई टिकट बताया जा रहा है। SFIO की जांच रिपोर्ट में माल्या और उसके सहयोगियों के दो ईमेल का जिक्र किया गया है। इन ईमेल की तारीख 1 जून 2007 से 13 जुलाई 2007 और 4 दिसंबर 2010 से 5 दिसंबर 2010 बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस की सेल्स टीम के बड़े अधिकारी विजय अरोड़ा ने अपने वरिष्ठ लोगों को भेजे ईमेल में कहा है कि सोनिया गांधी और उनका परिवार किंगफिशर एयरलाइंस से यात्रा कर रहा है। ईमेल में सोनिया के अलावा कांग्रेस के बड़े राजनेता और यूपीए सरकार में रहे बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं। माल्या के भारत छोड़ने के बाद से कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। ऐसे में SFIO की रिपोर्ट अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है।